Assalamualaikum guys, I am Arslan Haider. Welcome to another episode of Better. Guys, first of all, आप लोगों को एक तो सॉरी करूँगा वीडियो लेट आई है. दूसरा मैं आप लोगों से कहूँगा कि आज की जो वीडियो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, स्पेशल है, सरप्राइजिंग है. अब वो सरप्राइजिंग टॉपिक और स्पेशल क्या है, वीडियो लेट है लेकिन स्पेशल है. अब टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा. प्लीज टेक अ कपल ऑफ सेकंड, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. दिस विल बी वेरी अप्रिशिएटेड फॉर आवर चैनल. तो गाइस, अब टॉपिक कौन बताएगा? मैं फिजान को बोलूंगा कि वो सरप्राइजिंग टॉपिक आपको बताए कि वो आज क्या आने वाला है. बहुत शुक्रिया अरसलान. ये जो आपने सरप्राइज का वर्ड यूज़ किया ना, मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा, क्योंकि हमने पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि हम कैडेट कॉलेज कलर का हार के बंक के रास्ते के बारे में और वो किस तरह अरसलान और उसके दोस्त जाते थे, क्या करते थे. मुझे लग रहा है आपकी यादें ताज़ा होंगी यार. एग्जैक्टली गाइस, कैडेट कॉलेज कलर का हार का जो बंक का रास्ता था ना फिजान, मेरे ख्याल में आप जितने भी कैडेट कॉलेजेस ले लो ना, सबसे मुश्किल तरीन रास्ता जो समझा जाता था वो कैडेट कॉलेज कलर का हार. आपने आपने बताया होगा व्यूअर्स को भी कि जो कैडेट कॉलेज कलर का हार है ना, वो पहाड़ के ऊपर बना हुआ है सारा. तो एग्जैक्टली ऐसा ही है, पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है और उसका रास्ता जो था ना उसमें हमें जंगल के अंदर से जाना पड़ता था. अब वो जंगलों के अंदर से जाना, वो रात के टाइम वो डिसीजन लेना और प्लानिंग्स करनी किस तरह से जाना है, क्या करना है, पीछे टेंशन भी होना कि यार कुछ देखना ले, किसी को पता ना चल जाए, ऐसे ही है. अब क्या सीन होता था गाइस, कैडेट कॉलेज कलर कार का जो बंगा रास्ता था ना, उसमें जो सबसे पहले मैं बताऊंगा, उसमें जो फिजान चीजें फेस करनी पड़ती थी, पिग्स, जंगली जानवर जो फेस करने पड़ते थे. बिल्कुल, जैसे पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, ऐसे ही है, ये चीजें तो होंगी. बिल्कुल, अब उधर पिग्स बहुत ज्यादा होते थे, उधर नेवले बहुत ज्यादा होते थे, उधर स्नेक्स बहुत ज्यादा होते थे. इसके अलावा उधर से जो एक जानवर होता है जो कांटे अपने फेंकता है, उधर वो सेब बहुत ज्यादा होती थी. अच्छा, ये व्यूअर्स को जरा ये बताएं, इन सब चीजों के बावजूद आपको क्या चीज थी जो मजबूर करती थी कि आपने जाना यार बंग पे? या वो चाम था ना, तो हमें उधर कोई भूख होती थी कि यार नीचे जाके खाना खाना है. वो एक चाम था कि हम लोग इधर सुनते हैं आज मैंने बंग मारा है. मेरे ख्याल में ये जो इस वक्त ये जो आपके जहन में सारा आ रही है ना बातें कि यार हम जब कॉलेज से निकलेंगे, कॉलेज से पास आउट होंगे, तो यही तो यादें होंगे जो हमें ऐसे ही है. अब अलग ही सीन है. अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ क्या होता था. रात के 2 बजे जो है ना वो डिसीजंस लिए जाते थे कि यार हाउस मास्टर्स राउंड लगा के चले गए हैं, पीटीएस चले गए हैं. अब क्या सीन है, प्रोग्राम बनता था. एक मेरा दोस्त था अलीशा अली हैदर, हम तीनों का होता था. पहले 2-3 साल मैंने बंक नहीं मारा. अब क्या सीन होता था, रात के 2 बजे मेरा दरवाजा नॉक होता था डॉर्म का, रूम का. उधर कहा जाता था अरसलान जल्दी कर तैयार हो. लो जी तैयार होते, ट्राउजर पहनना, शॉर्ट वगैरह पहननी या शर्ट ऊपर पहन ली, ठीक है. ये होता था हमारा ड्रेस गर्मियों का. सर्दियों में हम लोग क्या करते थे कि यार वो चीज़ें पहन के ऊपर चादर ले ली, काफी होती थी, चादर वगैरह ले ली, चलो जी चलें. कोशिश करते थे डार्क कलर यूज करें. अब खालिद विंग, एक हमारा विंग जो था, उसके पीछे से ना वॉशरूम से हम लोगों ने पहले दीवार के ऊपर से हम लोगों ने जाना होता था. अब उसके बाद फिर हम लोगों ने एक साथ ही पहाड़ था, उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाना होता था. अब उस पहाड़ के ऊपर चढ़ के बाढ़ को पहले 2 लड़के जो थे, एक लड़के को पहले क्रॉस करवाते थे, फिर वो एक उधर से बाढ़ को पकड़ता था, फिर एक क्रॉस करता था, फिर जब 2 उधर चले जाते थे तो फिर वो बाढ़ को ऐसे पकड़ते थे, फिर तीसरा क्रॉस करता था. बाढ़ बहुत मतलब प्रॉपर कोई कह लें कि वॉल नहीं थी बनी, वॉल नहीं थी, लेकिन बाढ़ लगी हुई थी जो कि बहुत ज्यादा नुकीली लोहे की जो होती है जिसके. बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही था. अब उधर चाचे वगैरह राउंड लगा रहे होते थे, जंगली कुत्ते छोड़े होते थे, बड़ा बच के जाना होता था. अच्छा, अब पहाड़ के ऊपर चढ़ गए हैं, अब उस पहाड़ से नीचे ऐसे स्लोप बने थे जो हम नीचे आना होता था, ठीक. अब पहाड़ के जब नीचे आना है तो डेंजरस रास्ता होता था काफ़ी. तो पहाड़ से नीचे आ रहे हैं तो कई दफ़ा वाकयात भी हुए हैं. अब ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं 2 पार्ट्स में करूँगा कि वो वाकयात जो थे ना वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि ऐसे क्या क्या वाकयात हुए जिसके अंदर ये आप इधर आपको चलो नज़र नहीं आ रहा होगा, मुझे इधर स्टिचेस भी लगे थे, मेरा हाथ भी टूटा था, ठीक है. इस चीज़ का शायद किसी को भी आइडिया ना हो, इवन उधर के पीटीआई को भी आइडिया नहीं था. तो मैंने क्या किया था ये मैं अगली वीडियो में पार्ट 2 बनाऊंगा, लेकिन आज आपको रास्ते के बारे में बताऊंगा और क्या करते थे वो बताऊंगा. अच्छा, फिर रात पहाड़ के नीचे उतर गए,
व्यूअर्स, उसके बाद क्या होता था कि क्रॉलिंग करनी होती थी, क्योंकि वो एक थोड़ा सा हिस्सा इस तरह का आता था जंगल के अंदर, जिधर से कैफे से अगर कोई पीटीए लाइट वगैरह लगा मार दे पता लग जाता था उसको कि यहाँ बच्चे हैं। ऐसे था। अब हमें क्रॉलिंग करते हुए जाना होता था, क्रॉलिंग करते हुए जाके कोई आधे किलोमीटर का रास्ता था कि हमने रोड तक जाना होता था। ये मतलब ये पहाड़ से रोड का जो रास्ता बता रहे हैं हाफ किलोमीटर का था जो हमने चल के तय करना था, बल्कि किलोमीटर एक लगा लें। अब क्या होता था 2 बजे निकलना, उसके बाद रात के उस टाइम जंगल के अंदर से ऐसे क्रॉलिंग कर रहे हैं हम लोग, पता था जंगली जानवर भी मौजूद हैं इधर, मुश्किल होता था लेकिन चार्मफुल होता था। जाहिर सी बात है मजा तो। अब क्या सीन है कि हम लोग उधर से जाना, उस पहाड़ के अंदर से क्रॉलिंग करनी। अब एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरे दोस्त साथ थे तो मुझे ना ऐसे आवाज़ आई है मैंने कहा यार अली राणा अली इधर था, मैं राणे शाह मुझे लगता है पिग्स आ गए। कहते हैं किधर आ गए, मैं कहा बस चुप करके नीचे बैठ जाओ लेट जाओ। हम लोग नीचे लेट गए, चलो जी पिग्स आ रहे हैं, कितनी देर से पिग का इंतजार कर रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद ट्रक गुजर रहा रोड के ऊपर से, यार एग्जैक्टली दैट अक्सर हो जाता है कभी कभी, और वो मुझे डर इस तरह होता है कि यार कुछ जानवर ना आ जाए, तो वो फिर ऐसे कोई भी हल्की सी आवाज भी है तो ये लगता है यार इधर कुछ। हम लोग कितनी देर वेट करते रहे तो आगे से उधर से वो ट्रक गुजरा, बहरहाल फिर वो सारे मारने लग पड़े। अच्छा बहरहाल हम लोग उधर से वो रोड क्रॉस करते थे। अब जो रोड से उस जंगल को क्रॉस करके गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर हमारी गाड़ी पिक करने आई होती थी उस तक का जो सफ़र था ना, वो बड़ा इंटरटेनिंग होता था, एनर्जेटिक होता था। अब क्या सीन होता था कि उस बंदे ने पता भी ना लगे, साथ ही कॉलेज का गेट भी होता था, चचे वगैरह ड्यूटी पे होते थे, वो ड्राइवर ऐसे गाड़ी को घुमाता था और हमें चलती गाड़ी के अंदर हम लोगों को अंदर बैठना पड़ता था। बिल्कुल, कई दफ़ा ऐसा होता था 8-8, 10-10 लोग इकट्ठे जाते थे और वो जंप करके चलती गाड़ी के अंदर सारे एक एक के ऊपर चढ़ चढ़ के ऐसे फुल दब के बैठते थे। हाँ गाड़ी रुके तो उनको शक हो सकता कि यार स्टूडेंट्स जा रहे हैं। ऐसे ही है। अब क्या होता था, हम नीचे जाते थे, उधर ना एक लड़का था, बंदा था फयाज, फौजी उसे कहते थे, वो डिफरेंट होटल्स पे वर्किंग कर चुका है। अब उसने क्या किया होता था उधर अरेंजमेंट कढ़ाई का, रात के 3 बजे चिकन कढ़ाई तैयार हुई हुई है, साग पराठे तैयार हुए हैं, बड़ा ज़बरदस्त सीन होता था वो। फिर खा के 4 बजे तक हम लोगों ने फ्री होना और उसके बाद फिर वो गाड़ी पे आके और वही रास्ता, और वो 4-5 बजे फिर एक राउंड होता था, फिर आगे पीटी का भी टाइम होने वाला होता था। तो ये बड़ा ज़्यादा जो है ना इस तरह का सीन होता था। फिर हम लोगों ने वो फिजान दोबारा गाड़ी पे आना उधर से ऐसे, और फिर पीछे हर वक्त यही टेंशन, मोबाइल अभी फटता है अब भी बजेगा, कोई छापा पड़ गया पीछे से राउंड लग गया पीटीआई इसका। तो बहरहाल बड़ा मज़े का होता था। अब 2-4 वाक्यात ऐसे हुए थे, लेकिन वो वाक्यात अगर बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो के अंदर वो वाक्यात भी आपके साथ डिस्कस करूँ कि ये क्यों मेरा हार्ट टूटा था, क्यों मुझे जो स्टिचेस लगे थे ये सारा खुल गया था, वो खुल कैसे गया था, क्या हुआ था, इंशाल्लाह अगले वीडियो में बताऊँगा। फिर हम लोगों ने आना होता था और आके फिर वो नींद पूरी रात बाहर गुजारी होती थी और पता भी नहीं लगना, तो किस किस तरह जो है ना, एक दो दफ़ा ऐसे भी हुआ के पीछे से कॉल आ गई कि पीटीआई आ रहे हैं ऊपर से राउंड पे, और वो हम लोग मुझे याद है कैसे दौड़ने लगती थी उसके बाद नीचे से ऊपर तक। तो गाइस ये थोड़ा सा रास्ता था जो ज़्यादा रेगुलर यूज़ होता था हमारे कैड कॉलेज कलर कार के बंक का रास्ता, जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस जो है ना वो रास्ता समझा जाता था। एक दो दफ़ा हमारा टकरा भी हुआ से के साथ या पिग के साथ, तो वो बड़ा मुश्किल होता था लेकिन इंटरटेनिंग होता था, बस दौड़ी लग रही होती थी उस टाइम। तो फिजान भाई ये थी कैडेट कॉलेज कलाकार के बारे में, बंक का रास्ता और क्यों जाते थे ये भी आपको पता लग गया। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है ना हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो वाक्यात जो थे वो क्या वाक्यात थे। बहरहाल काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि जो रास्ता आपने जो बताया ना कि किस तरह हम आप लोग जाते थे ऊपर पहाड़ के स्लोप के ऊपर चढ़ के फिर उधर से नीचे आते थे, फिर वो बीच वाला रास्ता, और एक डर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज थी, उसे डर का ही तो मजा था। ऐसे ही है यार, डर के जा रहे हैं कोई पीछे से कॉल ना आ जाए, लेकिन वो बीच में थोड़ा सा वक्फा आता था ना मजे का, यार 2-3 घंटे नीचे एंजॉय करके आते थे आप लोग, उसका तो अपना मजा है, कोई शक नहीं। तो गाइस इंशाल्लाह वो अगली वीडियो पार्ट 2 भी इसका लाएंगे, स्टे ट्यून, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, प्लीज टेक फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।